मंत्री से संवाद के बाद कोरबा जिला कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि जिलों में टीकाकरण के काम में तेजी लाने तथा आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जी का ये निर्देशन था कि हम लोग अधिक से अधिक क्षेत्रों में जहाँ पर कोरोना का संक्रमण कम है उनको हम लोग कोरोना मुक्त रखें, गाँवों में जो कोरोना मुक्त गाँव की संख्या को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाया जाए और जिन एरियाज में हाई पॉजिटिविटी है उन एरिया में जो है कंटेनमेंट बेहतर तरीके से किए जाएँ तथा पॉजिटिविटी को कम करने का प्रयास किया जाए, टेस्ट बढ़ाए जाएँ और साथ ही बेहतर तरीके से कम्युनिटी को जोड़कर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि उनके जिले के अधिकांश गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं और गांव की सीमा तथा पहुंच मार्गों को बंद कर दिया है। उन्होंने जिले में टीकाकरण की प्रगति की भी जानकारी दी। सभी जनप्रतिनिधियों के भी माध्यम से और सभी जगह पर जागरूकता जो लाई गई है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और उन्होंने बताया है कि आगे वैक्सीनेशन भी बहुत तेजी गति से चलता रहेगा और वैक्सीन्स जरूर अवश्य लगवाएं आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी जो गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं हाथ धोने के लिए, 6 फीट दूरी बनाए रखने के लिए, उन सभी निर्देशों का पालन करेंगे हम इस पे अवश्य विजय पाएंगे। वहीं बिलासपुर जिले के कलेक्टर सारांश मित्तर ने प्रधानमंत्री को जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। टीम्स कार्यरत हैं, प्रशासन की मदद कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके द्वारा भी 24/7 काम किया जा रहा है। इन सब के संयुक्त प्रभाव जो प्रयास हैं उन प्रयासों से जो नियंत्रण पाया गया है इस कोविड सेकेंड वेव में, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे जो स्टेट का शासन है उनको बधाई दी गई और ये बोला गया कि जो हमारे प्रयास हमने किए हैं, इनोवेटिव अप्रोचेस किए हैं, उनको डॉक्यूमेंट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया जाए ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी वो काम आ सके। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि कोविड महामारी व्यस्क लोगों और बच्चों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इन आयु वर्ग के लोगों में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं।